गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस, अभी मैं हूँ स्वास्तिक सीरियल में और स्वास्तिक शक्ति सीरियल में, और यहाँ पे चल रही है शूटिंग। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, दिखाता हूँ। अभी जल्द ही शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं ज़्यादा देर आप लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं शॉर्टकट में वीडियो निकाल रहा हूँ, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। गाइस, अभी मेरी दीदी छुप रही है। कहाँ छुप रही हो आप? छुप के कहाँ जाओगी आप? स्वास्तिक से छुप के नहीं जा सकती हो। स्वास्तिक से आप छुप के कभी भी नहीं जा सकती हो, ये मेरा वादा रहा। एक सेकंड, ये लोग रिक्वेस्ट कर रही है गाइस फोटो खींचने का। क्या खींच दो? ऑडियंस बोलेगा तब, ऑडियंस कमेंट में बोलेगा तब। रिक्वेस्ट कर रही है ये लोग। अब ये मोहतरमा आ गई उनका फोटो खींचने के लिए। आज गाइस पूरा फूलों से सजा रखा है यहाँ पे। इधर भी फूल है और इधर भी, ऊपर भी आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा फूल से इन लोगों ने सजा के रखा है। क्या कितना प्यारा सा सेटअप इन लोगों ने बनाया है। और आज तो डांस होने वाला है, कुछ यूनिक सा डांस होने वाला है। आज मैं आप लोग को दिखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मेरा दोस्त सैनिक बना है। तो कैसा लग रहा है आपको सैनिक बना? आप हमारे सामने जो देख रहे हो, इसको बजाने वाले हैं कुछ आर्टिस्ट लोग, और ये बजेगा तभी, मतलब जो अघोरी वाला सीन था ना, वो भेष बदल के यहाँ पे पार्वती के घर पे, पार्वती जी के घर पे आ गए हैं, पार्वती जी के महल में आ गए हैं। शिव जी भी भेष बदल लिए हैं, और जितने अघोरी थे वो। गाइस, आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, ये नट बने हैं, मतलब पहले अघोरी थे और बाद में ये लोग नट बन गए हैं, भेष बदल के आए हैं और शादी वगैरह कराने के लिए। आप देख ही सकते हैं, शिव जी ने भी भेष बदला है। Yes.
देख सकते हैं सामने एक आर्टिस्ट अपना डायलॉग बोल रही है और इधर पूरा सेटअप लगा हुआ है और उधर सब लोग सो रहे हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 2 और रात के 2 बजे भी हम लोग का शूट चल ही रहा है। कितनी प्राउड की बात है ना, शिव शक्ति सीरियल के जितने भी डायरेक्टर एक्टर सब लोग हैं कितने मेहनत करते हैं, रात के 2-2 बजे भी शूट करते हैं, क्योंकि आप लोग को सीरियल बना के और दिखाना बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और आप लोग आधा घंटे में देख करके उसको समाप्त कर देते हो। तो इसी तरह की हमारी इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। नित्य रूप की ये भंगिमा नहीं अद्भुत हो गया नृत्य 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 रोज अद्भुत महादेव के नृत्य रूप की ये भंगिमा ये संसार नटराज के रूप में जानेगा। नटराज अर्थात नटों के राजा महादेव ने ये जगत में पहली बार नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। मैं ऋषि भरत इस प्रस्तुति से मंत्र मुग्ध होकर नृत्य नाटिका लिखूंगा, जिससे ये संसार नाटक की कला को समझ सके और संसार में जीवंत रह सके। आपने उनको पता नहीं शब्दों परंतु इनके पुत्र कौन है? देवी पार्वती सारे संसार में जगत जननी के नाम से जाना जाता है। लीजिए मैना देवी, आपकी इस समस्या का समाधान हो गया। एक संतान की माता कहलाने से कई गुना अधिक संतोष इस बात का है कि वो संपूर्ण जगत की माता कहना क्यों ठीक करें।